उनके प्रयास के लिए बधाई देता हूं और संगोष्ठी की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि वो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हमें प्रेरणा देने के लिए यहां पर आई हैं, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा कला और संस्कृति मंत्री हरियाणा सरकार के अमरपाल जी का। देवियों सज्जनों, आज का ये आयोजन हमारे आध्यात्मिक उत्थान और भौतिक प्रगति, इन दोनों ही उद्देश्यों को अपने आप में समाहित किए हुए है और इन सब के प्रेरणा स्रोत के रूप में आज माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन हरियाणा प्रदेश में इस पावन धरा पर हम सबको गौरव के भाव से भर रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया का यहाँ इस कार्यक्रम में उनके शुभागमन पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता की प्रति, जो हम सबके लिए बहुत ही पवित्र है और प्रेरणा का एक उद्गम है, स्रोत है वो, और साथ ही विराट स्वरूप की एक प्रतिमूर्ति भी, प्रतिरूप भी राष्ट्रपति महोदया को भेंट करें। यह विराट स्वरूप ज्योतिसर में इसी वर्ष उसे प्रतिष्ठित किया गया था, जिसका प्रतिरूप राज्यपाल महोदय यहां राष्ट्रपति महोदय को भेंट कर रहे हैं। विश्व कल्याण और मानव कल्याण के उद्देश्य और उस चिंतन का ये स्रोत, जो पूरी दुनिया के लिए प्रकाश पुंज के रूप में है, हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रति राष्ट्रपति महोदय को भेंट की गई। बहुत बहुत आभार उसे स्वीकार करने के लिए। देवेश सज्जनों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दो महत्व